2024 की लोकसभा चुनाव का फाइनल रिजल्ट मंगलवार को जारी हो जाएगा। इससे पहले इंडिया गठबंधन और एनडीए के नेता अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सोमवार को इसको लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का ही कोई प्रधानमंत्री होगा। जगदानंद सिंह ने सोमवार को न्यूज एजेंसी से खास बातचीत में ये बयान दिया है। जगदानंद ने सरकार बनाने का दावा तो किया, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि बिहार में किन सीटों पर जीत होगी या किस पर हार रहे हैं। उन्होंने तमाम एग्जिट पोल के नतीजों पर साफ कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मछली और मटन को लेकर कहा कि विपक्ष ने इससे मुद्दा बनाया। बता दें कि आरजेडी बिहार में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी ने अपने कोटे से बाद में 3 सीट वीआईपी को दी थी। वहीं कांग्रेस 9 और लेफ्ट ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा है। तमाम नेताओं के दावों के बीच कल मंगलवार को तस्वीर साफ हो जाएगी लोगों ने किसके पक्ष में मतदान किया है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी दावा किया है कि देश भर में इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट आएंगी। इंडिया गठबंधन के अन्य नेता भी यही दावा कर रहे हैं। जगदानंद सिंह के अलावा उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी सरकार बनाने का दावा किया है। सोनिया गांधी ने सोमवार को एग्जिट पोल के नतीजों पर जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि मंगलवार को जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।